हे विवान, तो पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है ढेर सारी बॉक फूल। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉक फूल को अच्छे से साफ कर लेंगे। इसके बीच का जो डंठल है उसे निकालेंगे ताकि हम लोगों को कड़वा ना लगे। खा सकते हैं, बहुत लोग खाते हैं इसके डंठल को, फिर भी मैंने साफ कर लिया है। तो सभी फूलों को इस तरह से साफ कर ले, एक एक करके सभी के डंठल निकाल दे। इसके बाद इसे अच्छे से धो ले पानी में। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे दाल भिगोया है, इसे पीस ले अच्छे से, मिक्स कर ले। दाल को ज़्यादा ना पीसे, थोड़ी सी दरदर रहने दे, तभी पकौड़ा का स्वाद ज़्यादा आता है। ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ज़्यादा नरम नरम हो जाएगा पकौड़ा, इसलिए थोड़ी सी दरदर रहने दे, तभी टेस्ट होगा। दाल पीस के रेडी हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे साफ किए हुए बॉक फूल। सभी बॉक फूल को यहाँ पे ढाल लिया है मैंने। इसके बाद इस मिक्सचर पे डालेंगे प्याज, एक प्याज लिया है मैंने। इसके बाद जिंजर और चिली पेस्ट, थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चिली पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स करें, पूरी तरह मिक्स करें ताकि पकौड़ा में पूरा स्वाद आ जाए। हमारा पकौड़ा का मिक्सचर रेडी है, अब इसे तेल में तलना है बस। ज़्यादा हीट से ना पकाए, नहीं तो पूरा जल जाएगा पकौड़ा। तो मैंने सभी पकौड़ा को यहाँ बना लिया है, मेरा पकौड़ा रेडी है। देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है दिखने में, खाने में तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। हे, दिस इज़ रियाली एंड वेलकम टू द चैनल ईट विद रियाली। तो गाइस, आज मेरे पास बहुत सारी आइटम है, वेज आइटम और एक फिश भी है, स्मॉल फिश। तो ये मैंने सरसों से बनाया है, और ये है बॉक फूल की पकौड़ा। इसको तो आप लोग ने मेरी रेसिपी में देख लिया होगा शायद। और इसके साथ में आलू भट्टा, दाल और ये पता नहीं क्या बोलते हैं हम लोग, देखिया बोलते हैं, देखिया आलू एंड काली चना फ्राई। तो चलिए शुरू करते हैं खाना। फर्स्ट बाइट।